दोस्तों, हमारे शरीर में जो नसें हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती हैं। खून को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों के चलते हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नसों में दर्द रहने लगता है और इन्हीं नसों के दर्द को नर्व पेन कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं, नसों में दर्द क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों आ जाती है और ब्लॉकेज को घरेलू तरीकों से हम कैसे हटा सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं। दोस्तों, डायबिटीज की वजह से नसें कमजोर हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरीज के अंदर फैट जमा होने के कारण भी नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसें कमजोर हो जाती हैं। कभी कभार शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी नसें कमजोर पड़ जाती हैं। शरीर के अंदर किडनी या फिर लीवर अपना सही से काम नहीं करे तब भी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और नसों में जम जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लगती हैं। चक्कर आना भी एक संकेत है कि नसें कमजोर हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है जब भी हम अचानक से उठते हैं या बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान है ही नहीं। कमजोरी नसों में बहुत ज्यादा रहती है और दर्द भी रहने लगता है। इसके अलावा शरीर में बहुत पसीना आने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पेट में भी कई सारी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि अपच, गैस या फिर याददाश्त कमजोर होना, रात को अच्छे से नींद नहीं आना, शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कन तेज होना भी नसों की कमजोरी के कारण है। दोस्तों, अगर आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, दर्द हो रहा है या फिर ब्लॉकेज की समस्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसका इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ अपने खान पान में बदलाव करके कुछ चीजें ऐसी हैं, डाइट में शामिल कर लें, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, योगा एक्सरसाइज करें, तो ये सारी समस्याएं आप से खत्म कर सकते हो। यदि आपके शरीर में किसी भी नस में कमजोरी आ गई है या फिर नस दब गई है या फिर कुछ जगह पर दर्द हो रहा है, तो उस जगह को कभी भी दबाए नहीं, मरोड़े नहीं, यहाँ सूजन आ चुकी होती है। और सूजन वाली जगह पर आप क्या कर सकते हैं, बर्फ या फिर गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको बहुत आराम भी मिलेगा और वहाँ की सूजन भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इतना सोचिए कि आपने टाइट हाथों से मसाज नहीं करनी, बस वो जो तेल लगा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। यदि आपकी नसें रेगुलर दर्द रहती हैं, तो आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए, इससे नसों को काफी फायदा होता है। इसके लिए कुछ योगासन है, प्राणायाम है, जैसे कि आप भस्त्रिका का प्राणायाम कीजिए, नसों के लिए काफी अच्छे होते हैं। और इसके अलावा अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करने से नसों की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। चलिए, अब आपने व्यायाम और योगासन तो जरूर करने हैं, तो बात कर लेते हैं इलाज की, कि इलाज कौन सा है। इस इलाज को आपने 15 दिन रोजाना करना है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा एक महीने के लिए कर सकते हैं, एक महीने से लेकर यानी 45 दिन तक आप इस इलाज को कर सकते हैं। तो इस इलाज को करने के लिए आपने क्या करना है, एक पैन में एक गिलास पानी डाल दीजिए और इसे गैस पर रख दीजिए। अब इस पानी में आपको आधे इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालना है। दोस्तों, दालचीनी का टुकड़ा डालना ज्यादा फायदेमंद है या पाउडर फॉर्म में, तो आपको एक चीज बता दूं, पाउडर फॉर्म में डालना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसका जो अर्क है, निचोड़ है, जल्दी पानी में चला जाता है। तो आप क्या करिए, 3 से 4 चुटकी दालचीनी पाउडर है जो पानी में मिक्स कर दीजिए। फिर इसके बाद आपने एक बड़ी इलायची को क्रश करना है। सिर्फ एक इलायची बड़ी लेनी है, जो काले रंग की होती है, आपको किराना शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपने क्रश करके इसी पानी में मिक्स कर देनी है। उसके बाद तीसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों, वो है 2 लौंग लेने हैं। लौंग होते हैं ना जो, वो लेने हैं आपको। और आपने इन तीनों चीजों को उबाला देना है। जब अच्छे से उबाला आ जाए, थोड़ा सा पानी सूख भी जाए, यानी इन तीनों चीजों का अर्क जो है, रस जो है, वो पानी में जा चुका है, अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए, यानी ठंडा होने दीजिए, और एक मग में या फिर किसी भी गिलास में छान लीजिए। दोस्तों, इसके अंदर चौथी चीज जो हम यहाँ मिक्स कर रहे हैं, वो है गुड़। आपने सिर्फ आधा चम्मच गुड़ इस जो ड्रिंक तैयार हुआ है, जो ये पीने वाली चीज तैयार हुई है, इसके अंदर मिक्स कर देना है। गुड़ आपने डार्क कलर का लेना है, जो हल्के पीले रंग का गुड़ आता है वो नहीं लेना, आपने डार्क कलर का गुड़ लेना है और सिर्फ आधा चम्मच इसके अंदर मिक्स कर देना है। गुड़ इस औषधि के फायदों को 4 गुना बढ़ा देगा। इसे पीने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पावरफुल इफेक्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस ड्रिंक का सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है। यह जो हमें औषधि बनाई है, यह एक आदमी के लिए है।
है। अगर आपके घर में दो आदमी हैं, इसे पीना चाहते हैं, तो इसकी क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिए। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से हो जाएगा, आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आपके शरीर में इन चीजों की कमी कभी हो ही नहीं सकती। हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। जोड़ों में दर्द की समस्या है, पिंडलियों में, मांसपेशियों में दर्द की समस्या है, तो इसके सेवन से आपको बहुत आराम मिलेगा और नसों की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो इस ड्रिंक का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा कुछ खाने वाली चीजों के बारे में बताती हूँ, जिसको रेगुलर आपको अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है। जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं होते, जिसे हमें अलग से लेना पड़ता है। लेकिन कुछ खाने वाले सीड्स यानी बीज ऐसे हैं जिनमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। तो सबसे पहली चीज है अलसी। वैसे तो अलसी को सर्दियों के दिनों में खूब खाया जा सकता है, लेकिन अब जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो आप क्या करिए, सिर्फ एक चम्मच अलसी के बीजों को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप इन भिगे हुए बीजों को खा लीजिए और ऊपर से पानी भी पी लीजिए। ऐसा करने से ये अलसी के बीज गर्मी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। इसके अलावा दूसरे सीड्स यानी बीज की बात करें, वो है सब्जा, यानी जिसे चिया सीड्स कहे जाते हैं। और चिया सीड का जो नेचर है, तासीर है, वो ठंडी होती है। आप इसे एज इट इज एक चम्मच पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। एक जेल के तौर पर बन जाती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो अलसी से कहीं गुना ज्यादा होता है। कैल्शियम दूध से ज्यादा होता है, आयरन इसमें पालक से ज्यादा होता है। तो आप इस चीज का सेवन जरूर कीजिए, गर्मियों में बहुत आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि आखिर नसों की कमजोरी के कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है और उनका इलाज आप घर पर और बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।